असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हाँ जी तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आज अपने पौधों को जो है फर्टिलाइजर देना था तो ये मैं लेकर आई थी आप किसी भी जो है वो फर्टिलाइजर या प्लांट शॉप से जो है ये ले सकते हैं सो so, ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल देती हूँ और पानी में मिक्स करके सारे प्लांट्स को दे देती हूँ वैसे भी विंटर्स आ आ गई हैं तो बहुत ज्यादा पानी जो है वो प्लांट्स को नहीं दिया जाता इस मौसम में बस हफ्ते में दस दिन में इस तरह पंद्रह दिन में कुछ प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है ताकि बस वो सरवाइव कर सकें क्योंकि अभी इनकी इतनी ग्रोथ भी नहीं होती सो so, खैर प्लांट्स पे तो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ बात करूंगी आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी और ये हर औरत का मसला है दो मेन मुझे जो है वो मैसेजेस आए थे डी आए थे ऑन uh, इंस्टाग्राम तो uh, उसमें एक खातून जो है शी इज़ अ डी डॉक्टर एंड वो घर पे हैं और बकॉल उनके मुझे जो है वो They don't लेट मी टू डू एनी जॉब और फिर ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में और मैं बहुत ज्यादा रस्टिक हूँ और मैं बहुत किसी काम करने जोगी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी औरत हूँ लेकिन मैं घर पे हूँ और दूसरी जो जो मैसेज था वो एक आंटी का आया शीज फिफ्टी सिक्सटी प्लस खातून है एंड शी इज अदर इन लॉ एंड अदर शीज सेट के मैंने अपनी सारी जिंदगी जॉब करने में गुजार दी एंड उसके बाद अभी जब मैं घर पे हूँ तो मुझे ऐसा फील कराया जाता है लाइक like सराउंडिंग में उनकी बहुएं होंगी जो कि बिल्कुल गलत कर रही हैं और या उनके बच्चे होंगे उनको ये जताते हैं कि जी यू डोंट नो एनी क्योंकि आप अभी आउट हो गई हैं आप जब जॉब खत्म हो गई है आप घर में हैं और आपको इतना कुछ पता नहीं है तो मुझे फील होता है शी सेट कि बहुत मेरी कोई वैल्यू नहीं है आई एम हैविंग नो वर्थ तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बी अ हाई वैल्यू वुमेन एंड कैसे हम अपनी वैल्यूज को बूस्ट कर सकते हैं सो so, uh, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बात है ना ये मोस्टली हर हर औरत के साथ होती है कोई ना कोई ये तो देखें दो डिफरेंट खातन थी एक एजड हैं और एक यंग है और ये मसला हर एक के साथ है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है पढ़े लिखे होते हैं घर बैठे होते हैं या सराउंडिंग के लोग आपको ना एक्सेप्ट नहीं करते सो so, आज मैं आपके साथ बहुत बूस्टिंग किस्म का जो है व्लाग लेकर आई हूँ ताकि आपको अपनी वैल्यू का पता हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं एंड वट इज़ योर वैल्यू सो लेट्स गेट स्टार्टड सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अ हाई वैल्यू वुमेन शी नोज़ हर वर्थ आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए आप दूसरों की नज़र से अपने आप को नहीं देखेंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि लोग आपको किस तरह से ट्रीट करें कि जी ये जो है वो नॉलेजेबल नहीं है या ये इस पर्सन की जो है ना वो नॉलेज आजकल के हिसाब से नहीं है मैं उन आंटी की बात करी कि शी इज फेसिंग सम इश्यूज़ के जी ताकि मैंने सारी जिंदगी पढ़ाती रही हूँ लेकिन अभी मुझे ऐसे फील कराया जाता है जैसे यू नो नथिंग देखिए आपको अपने वैल्यू का पता है आपने एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा है यू वर अ प्रिंसिपल तो आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है आपको दूसरे अगर बोलेंगे कि आपकी ये वैल्यू है तो आपने उन उस चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखना और इस चीज को बेस बना के डिप्रेशन में नहीं जाना ना फजूल बातें सोचनी है क्यों क्योंकि आपने वो अच्छा टाइम गुजारे मे बी वो हजम ना हो रहा हो सही बात है ना किसी को हज़म ना हो रहा हो कि जी ये तो इतनी हाई पोस्ट पे रही हैं तो चलो इनको इतना डिग्री है लोगों की आदत होती है अगर आप किसी अच्छी जगह चले जाएं किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएं तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और वो फिर कुछ और नहीं मिलता तो वो आप में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं या उस इंस्टीट्यूट में निकालना शुरू कर देते हैं जिधर आपने कभी जॉब की थी सो so, हाई वैल्यू वुमेन को पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है वो किधर स्टैंड करती है उसको किसी की सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी की सर्टिफिकेट की नीड नहीं है कि वो बोलेंगे तो आपको होगा कि नहीं जी मैं आपको पता है अपनी वैल्यू का नेक्स्ट इज हाई वैल्यू वुमेन रिस्पेक्ट हर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप को वैल्यू करना अपने आप को रिस्पेक्ट देना जो कि आप आ, को करनी चाहिए जो अगर आप छोटी छोटी बातों में लोगों की बातों पे अपने दिमाग में रखिए अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिस्पेक्ट करिए हाई वैल्यू वूमेन को पता होता है कि मैंने किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है और अगर यहाँ मुझे फील हो रहा है कि मेरी वर्थ नहीं है तो मैं वॉक अवे कर लूंगी जरूरी नहीं है आप उनके साथ बैठ के बातें करें आपकी एक वैल्यूज है आपकी एक स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको लोअर पे नहीं लेकर आ सकते आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक बात हूँ मैंने बहुत से जाहिलों को देखा है सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड वो पढ़े लिखे भी होते हैं बट वो जाहिल होते हैं वो आपके साथ बहस करते हैं उनको शौक होता है लोगों के साथ नो बस उन वो सुकून में नहीं रह सकते तो उनको होता है कि आ, दूसरे बंदे को ना इतना पागल घनचक्कर बना दो ताकि वो जो है ना बस हमारी बातों में आ जाए ऐसे लोगों से वॉकअवे कले करें ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि आपको डिग्रेड करते हैं आपको वैल्यू नहीं देते या आपको इंसल्ट करते हैं चाहे वो पी हो चाहे वो किसी भी एज की औरत हो आप ना उनके साथ मत बैठा करें आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट दें अपनी सेल्फ इस्टीम को दूसरों के सामने कम होने मत दें प्लीज़ ये बात हमेशा याद रखें क्योंकि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगी पैसेज ऑफ टाइम एवरी वन गिव यू रिस्पेक्ट अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगी ऐसे लोगों के साथ फिर भी बैठेंगी आ, मुझे आप दस दफ़ा भी बोल देना कि मेरी मजबूरी है लेकिन आपका अपना कमरा भी है

ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी वैल्यूज हाई होती हैं वो कभी भी भी किसी पे अनकाइंड नहीं होते उनको पता होता है कि ये जो पेन है अगर हो सकता है यू नेवर नो आप कभी बाहर जाएं आपको कोई बंदी मिले या कोई कोई भी मिल जाए और वो बहुत परेशान हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके चेहरे पे अपनी परेशानी लेकर आए तो हर एक से ना काइंडनेस से मिला करें हर एक से कंपैशनेट होकर मिला करें क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी एक अच्छी मुस्कुराहट आपकी एक अच्छी बात किसी की लाइफ में कोई वैल्यू रखती हो उसका दिन बना दे उनको उन लोगों को खुश कर दें टेंशन लेना ये लोगों पे तंज करना ये हाई वैल्यू वुमेन की कोई बिल्कुल भी ये उसकी क्वालिटी नहीं है जो बहुत लोअर क्वालिटी या लोअर वैल्यू के लोग होते हैं ना वो लोगों पे तंज भी करते हैं हर वक्त उनको हर एक की टो में भी लगना अच्छा लगता है वो दो बंदों के बीच में हर वक्त बोलते रहते हैं तो आप ये सोचें कि ये सामने वाला बंदा जैसे फर्ज कर लें अगर दो बहुएं भी हैं आपकी और वो आप पे तंज कर रही हैं या आपको खैर आई डोंट थिंक सो तंस कर रही होंगी so, बट ये कि आपको अगर ये जता भी रही है ना तो बिल्कुल आप ये समझे कि वेरी जो जो दोनों नहीं करने दी जा रही तो दे आर नॉट बा लोगों को आदत होती है ना उनकी खुद की जिंदगी में सुकून होता है ना वो दूसरों को सुकून में रहने देती है तो बिलीव uh, मी अगर आप किसी को बेसकून करोगे आप भी सकून में नहीं रहोगे बात याद रखिएगा तो ऐसे लोगों को इस तरह अपनी अपनी वैल्यू बनाने के लिए ना आपको उनसे मुकाबला नहीं करना आपको पैशनेट होना चाहिए कंपैशनेट होना चाहिए सॉरी एंड आपको काइंड होना चाहिए काइंड मतलब मेहरबान एंड रहमदिल उनके लेवल पे आके आपने लोगों को ट्रीट नहीं करना सो so, अपनी वैल्यूज बनानी है ना कि दूसरों को फॉलो करना जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है सेल्फ अवेयर होते हैं ऐसे लोग जो जिनकी वैल्यूज़ हाई होती हैं सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि उनके इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना वो लोगों से बहुत हाई होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं थोड़े आसान वर्ड्स में इमोशनल uh, इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वो जब बात करते हैं ना तो उनको पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं तो अगर आपने अपनी वैल्यूज़ हाई करनी है आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं ना तो आपने ना uh, लोगों के uh, रवैयों के बेस पे अपने वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिसका मतलब बड़ा आसान है कि अगर कोई बंदा आपको बैडली ट्रीट कर रहा है तो आपने लड़ना झगड़ना नहीं है आपने बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज करने हैं क्योंकि हाई वैल्यू पर्सन सोच समझ के वर्ड्स यूज करता है कि ये वर्ड्स क्योंकि आजकल बहुत तेज दौर है ना यहाँ की बात वहां उल्टी सीधी कर देते हैं लोग तो आपने बहुत सोच सम, पहले तो ऐसे लोगों से मुंह ही नहीं लगा करें फ्रेंकली स्पीकिंग जो बेस्ट चीज है ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करें और इन केस अगर आपका वास्ता पड़ गया है ना तो आपने पहले कोशिश करनी है खामोश रहें और अगर कोई बात करनी भी है ना तो बहुत सोच समझ के आपने बोलना है ता, ताकि आपको अपनी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना ये बात याद रखिए कि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ बढ़ाने हैं ना तो आपने ना लोगों की आ, लोगों के स्टैंडर्ड्स पे आके बात नहीं करनी आपने बहुत सोच समझ के क्योंकि ऐसे लोग सोच समझ के बात करते हैं आ, उनको पता होता है उनकी वर्ड्स की पावर क्योंकि यू नो पावर ऑफ वर्ड्स इज़ यू नो समथिंग ऑन वेरी हाई इस तरह हो ही नहीं सकता कि आप बड़बड़ बड़ बड़ रहे होंगे और आपकी वैल्यू होगी नहीं आपने बहुत सोच समझ कि अपने words करने है ना यह हाई वैल्यू वूमेन होती है शीज सेल्फ सेल्फ अवेयर हाई वैल्यू वुमेन इज ग्राउंडेड इन maturity देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लोग कुछ लाइक डिसेंट वे से आपको याद रखें तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपने किसी की जिंदगी के साथ ना गेम्स प्ले नहीं करने मैंने बहुत सी खतियों को देखा है कि वो ना हैव वेरी शातर दिमाग वो लोगों की जिंदगियों में ना सिर्फ उनका जिंदगी का मकसद ये होता है कि फसाद डालना एंड ऐसे लोगों को बिलीव में कोई पसंद नहीं करता वो आखिर में आइसोलेटेड ही होते हैं उनको लोग अकेला ही छोड़ देते हैं जब आप इधर की उधर उधर की उधर लगाइया बुझाइया फसाद इधर की उ, उसको बता रही हैं छ लगा के और उसकी इधर बता रही हैं छ लगा के तो उससे होता क्या है कि आप ना अपनी इतना अपने आप को डिग्रेड कर रही होती हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं है एक दिन बंदा आपकी बात सुन लेगा दो दिन बंदा आपकी बात सुन लेगा तीसरे दिन जब उसको पता चल जाता है ना कि ये बंदे का दिमाग ही फसादी है और ये माइंड गेम्स कर रहा है या लोगों की वो कहते हैं ना गेम्स प्ले कर रहा गेम्स प्ले का मतलब होता है फसाद डालना यहाँ की वहां लगाइया बुझाइया तो वो लोग आपसे फिर मुहताद हो जाते हैं आप अगर सच भी बोल रहे होते हो ना तो आपकी बात नहीं सुन रहे होते अपनी वैल्यूज को ना इतना डिग्रेड मत करें कि लोग ना आपसे दूरी इख्तियार कर ले। दूसरा अपने आप पे बहुत काबू पाएं ताकि दूसरों की लाइफ में म्यूनिपलेशन ना करें uh, म्यूनिपुलेट ना करें बच्चों की जिंदगी हमसायों की जिंदगी अपनी बहू की जिंदगी अपनी सास की जिंदगी यू हैव नो राइट कि आप इस तरह करें आप विद पैसेज ऑफ टाइम ना आप पे एक टैग लग जाएगा कि ये बातों को म्यूनिपुलेट करते हैं यहाँ कि वहाँ ऊपर नीचे यानी एक बात को में दस और लगा के ना तो वो दूसरों को बताना सो ऐसे लोगों को ना कोई पसंद नहीं करता ऐसा बंदा बिलीव मी हर फैमिली में होता है और ऐसे बंदे पे हर बंदा हसरा हो होता है उसको खुद नहीं पता होता कि वो सारे लोग उससे दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उसका दिमाग फसा दी है तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा जो है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू उनको छोड़ दे वो जो भी कर अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है ना तो आपने गेम प्ले नहीं करना लोगों की जिंदगियों में और लोगों की जिंदगियों में नहीं करनी ठीक है तो इस तरह से आप अपने स्टैंडर्ड्स भी हाई रखेंगी और दूसरों की नजर में भी बहुत अच्छी होंगी में बहुत से लोगों दिमाग में आता मतलब हाँ आता है है है, कि कि का 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 मतलब अपनी कपड़ों ख्याल ख्याल रखना, जी, वो वो भी भी इसका एक अहम जुज्व है बट ऑन दी अदर हैंड जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है वो है आपकी सेहत आप अपनी सेल्फ केयर खुद करें अपनी सेहत को सही रखें देखें आई एम डायबिटिक मैं कभी भी अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ती कभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मेडिसिन टाइम पे हो अभी भी मेरे साइड टेबल पे मेरी मेडिसिन इवन मेरे बेड के साइड टेबल पे पड़ी हुई है और मेरे डाइनिंग के साइड टेबल पे पड़ी हुई जिधर मैं बैठ के अपना वर्क स्टेशन है मैं काम कर रही हूँ क्यों क्योंकि मुझे पता है कि जान है तो जहान है और जब आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं ना फिर आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती एंड ऑन दी अदर हैंड मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ की केयर करना बहुत जरूरी है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ना नेगेटिव लोगों से बहुत दूर भागती हूँ मुझे होता है मैं इनसे अगर महीने में एक दफ़ा सलाम दुआ है तो मैं इनसे छः महीने में भी सलाम दुआ ना करूँ क्यों क्योंकि मेरा पर्सनल सुकून मेरा मेंटल पीस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब आपको मैं एक बात बताऊँ हर बंदा आपके चारों तरफ नेगेटिव ही होता है मोस्टली आप में आपको उनमें पॉजिटिविटी अगर ढूंढनी है तो आप अपने आप को पहले पॉजिटिव कर लें और आपको जब फील होता है कि ये बंदा नहीं चेंज हो सकता ये मुझसे नेगेटिव ही बातें करता है तो उनसे इतनी दूरी इख्तियार लें कि अगर आपको सीरियसली यू विल फील गुड तो अपनी मेंटल केयर की ए, ए, करना अपनी फिजिकल केयर करना एंड अपेरेंट्स की सेल्फ केयर करना वो बहुत जरूरी है आपको अच्छे कपड़े पहनना आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन रहे आपने जो भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं वो दे, दे शुड लुक नाइस ऑन यू आप अच्छे अपने नाहुन प्यारे से रखे हुए हैं अपने बाल अच्छे से रखे हुए हैं अपने हाथों पैरों की केयर करें कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो मुँह पे बहुत ज्यादा थोप के और जो है ना एक्सपेंसिव कपड़े पहन के हाथ पैर इतने गंदे होते हैं कि आपको मिलाने का दिल नहीं चाह रहा होता या एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है तो सेल्फ केयर में ना ये सारी चीजें आती हैं अगर आपने आप देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ दो तरह की खबान आपको हमेशा याद रहेंगी एक बहुत स्टाइलिश सी साफ सुथरी सी और एक बहुत गंदी सी इसकी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टाइलिश बंदे को आप सोचेंगे शी इज स्टाइलिश ना भी हो बट शी इज नीट एंड क्लीन शी इज अ ग्रेसफुल लेडी तो आप कहेंगे कि शी इज मुझे याद है हाँ उसने ये ये उधर आई हुई थी और उसने बड़ा अच्छा सा डिसेंट सा सूट पहना था और ऐसी औरत जो कि आउट कहते आउट ऑफ द वे जाके ड्रेसिंग करें ना वो भी आपको जिंदगी भर याद रहे, याद रहेंगी तो दोनों में फर्क ये है कि एक के वैल्यूज हाई होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके उसको पता होता है कि मैंने अपने आप को कैसे कैरी करना है एंड दूसरी अन अवेयरनेस में इतनी इस तरह के कपड़े वगैरह पहन के बैठ जाती हैं जो कि हमेशा लोगों को याद रहते हैं सो अपने स्टैंडर्ड्स उस पॉजिटिव वे में हाई करें कि कोई बंदा आपसे जब मिलता है तो पांच साल बाद भी वो आपको कहे आई स्टिल रिमेंबर कि आप मुझे फलां जगह पे मिली थी एंड आप बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत डिसेंट लग रही थी ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है सो आई होप कि जो आपको डिग्रेड कर रहे हैं और आपको इस तरह से शो करा रहे हैं कि यू आर नथिंग तो आपने अपनी वैल्यूज बढ़ानी है उनके कहने पे जिंदगी नहीं गुजारनी है उनके हरकतों पे जिंदगी नहीं गुजारनी है। आपने अपनी वैल्यू खुद करनी है आपको पता है कि आप किस तरह की लाइफ गुजार के आए आपको पता है कि कितने अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो आप वो पर, जो आपने मीन्स अपनी ग्रूमिंग की है इतने सालों में वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करें तो so खैर अब आते हैं व्लॉग की तरफ आज मेरा बेटा मेरे साथ जो है वो कुकिंग कर रहा था बिरयानी मैंने बनाई थी और उसके बाद ये था कि मुझे टेलर के पास जाना था और टेलर को मैंने जो है वो कपड़े देने थे हाँ जी मैंने सना सफीनास का सूट नॉट सना सफीनास मैंने मारिया भी कहा और एक सना सफीनास का भी दिया है और एक शादी का जोड़ा सिल के आ गया है उसके थोड़े से मसले हैं वो मुझे वापस देना पड़ेगा एक और शादी का जोड़ा भी मैंने टेलर को दे दिया है वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द स्टिच होके आ जाएगा और बेटी के भी बहुत सारे कपड़े मैंने दे दिए तो टेलर के पास मैं गई हुई थी और ये सारे काम जो है ना वो निपटाने के लिए और फिर उसके बाद ये था कि मुझे मुनीसों जाना था थोड़ा बहुत मेरा काम था और बच्चों के लिए जीन्स वगैरह लेनी थी तो उसके लिए मैं गई थी आउटफिटर्स जो फैक्ट्री आउटलेट है ऑन मेन जी टी रोड सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली